फिर से देखते हैं कि यहाँ पे चार कारें हैं, C1, C2, C3, C4। यहाँ पे C3 में इन्होंने जगह फिक्स कर दी है कि तीसरी कार में आहूजा और धवन है। आहूजा और धवन तीसरी कार में फिक्स हो गए। अब ND पहली और चौथी में संभव है कि पहली और चौथी में ND हो सकता है। ND चावला और भाटिया एक साथ रह नहीं, चावला और फरारा एक साथ रह नहीं सकते, तो चावला और भाटिया दूसरी में संभव है। चावला प्लस भाटिया हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर फरारा प्लस भाटिया हो सकते हैं, अर्थात दूसरी कार में भाटिया का होना निश्चित हो गया है। भाटिया जो है दूसरी कार में पाए जाएंगे, तो मिस्टर भाटिया दूसरी कार में हैं। ये सही उत्तर हो गया 94 का। अब ये हो गया 94। 95 में पूछ रहा है, 95 में कि चावला और भाटिया एक कार में नहीं हो तो पहली कार में कौन संभव है, तो पहली कार में फरेरा संभव है। फिर तो इसका सही आंसर हो गया फरेरा। फरेरा मतलब सी 95 का। 96 देख लेते हैं। 96 वाला 95 का ही उल्टा है कि इसमें पूछा है कि यदि फरेरा और भाटिया एक ही कार में नहीं है तो इनमें से कौन पहली कार में हो सकते हैं। अब चावला हो जाएंगे पहली कार में, चावला। तो 96 का उत्तर होगा चावला, जो कि सी है। अब 97 में कह रहा कि मिस्टर भाटिया और चावला अगर तीसरी कार में हो, तीसरी कार में चावला और भाटिया हो जाए, अगर चावला और भाटिया तीसरी कार में हो जाए तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा। फरेरा इन लोगों के साथ रहना नहीं, तो फरेरा या तो पहली में होगा या चौथी में होगा, और एक में एनडी होगा एक में फरेरा। तो चौथी कार में, चौथी कार और पहली कार में, चौथी कार में अगर एनडी होगा या फरेरा होगा, और पहली में भी, पहली कार में भी या तो एनडी या फरेरा होगा, तो फरेरा या तो कार नंबर 1 या कार नंबर 4 में होंगे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।